गाड़ी पे लिखवा दो चमार साहब, कोई उच्च कास्ट का गाड़ी नहीं मांगेगा। ये तो वही सदियों वाले चमार लिख रहे, आपस में लड़ झगड़ के चले गए। इंजीनियर चमार जाति ने आप लोगों को जूते पर आए, आप कांटों में पत्थरों में आपके पैरों में घाव हो जाते। अब चमार महाधिवेशन पहली बार होने जा रहा है, हम बड़े हिसाब किताब से यहाँ आए, तो जैसे ही हम गेट पे पहुँचे कुछ लोगों ने हमें रोका, बोले यहाँ तो सब फालतू बातें हो रही है, बाबा साहब का फोटो नहीं है। अरे मैं रात सुबह 3 बजे के चल के आए हैं, अंदर तो जाने दो यार। वह अंदर गए तो हमने देखा वह बाबा साहब की मूर्ति नहीं थी। देखो संत रविदास हमारे आध्यात्मिक अम्बेडकर भी हैं, जो हमने अधिकार दिलाए, जो आज मैं आपके सामने ये साफर सूट वूट खड़ा हूँ और पढ़ लिख के मैं दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी करके बाइज्जत रिटायरमेंट होके आया हूँ, ये बाबा साहब की देन है सर। हमारे संत रविदास थे, उन्होंने आध्यात्मिक रूप से समाज को जगाया, लेकिन आज़ादी के लिए जो बाबा साहब ने इस समाज के लिए लड़ाई लड़ी, हम उसके और हमारी आने वाली संतान भी उसकी ऋणी होगी। ऋणी वजह क्या है, क्यों बाबा साहब की फोटो नहीं लगाना चाह रहे मंच पर? देखो जी ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अब आप पत्रकार हो, मैं भी रिटायरमेंट होने के बाद मेरे सारे बच्चे आप तेरे गस्टेड अफसर है, मेरे को बच्चों ने मेरे को खुला छोड़ रखा है, मैं आज़ादी है, मैं अपने विचार प्रकट कर सकता हूँ। जो ये मंच है ना किसी राजनीतिक नहीं राजनीतिक पार्टियों का खरीदा हुआ मंच है, खरीदा हुआ मंच है। इतनी कहने के बाद भी बाबा साहब का फोटो लगाओ नहीं लगाया, आखिर में लगाया वो एक ही, ये इस इतने बड़े स्टेज से वो एक युवा साथी था, कोई पुलिस मेरा है क्या है, उसने ये नहीं कहना चाहता, जिन्हें नहीं सुनना बाहर जाओ। इससे ये पता चलता है इनके ऊपर कोई फोर्स है, इनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है। ये बाबा साहब का नाम लेने से उस जो गाना गा रहा था बाबा साहब के बारे में उसका भी माइक छीनने की कोशिश करी गई। हाँ वो तो गा रहा था बाबा साहब, वो तो बाबा साहब के गुणगान। देखो हम बहुत खुशी के साथ आए थे बेटे, और हमने यहाँ देखा ये तो वही सदियों वाले चमार लिख रहे, आपस में लड़ झगड़ के चले गए। मैं खुली किताब है मेरी, हम आए थे भाई ये चमार जाति का कोई उद्धार करेगा। जो संयोजक है इस प्रोग्राम का उसको पता नहीं है बाबा साहब की क्या अहमियत है आज आज देश में? देखो हमें तो उसका कुछ नहीं लगा जब उसने न्यू कह दिया जिसने सुननी हो सुनो और बाकी जाओ। जब ये हल्ला हुआ है इतने बड़े मंच से ऐसी अभद्रता नहीं करनी चाहिए। तो सर ये जो जाति है कैसे लड़ेगी मनुवादियों से अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो? देखो बाबू जी ये जातियाँ मनुवादियों से कैसे लड़ेगी, जो आज की सरकार है एजुकेशन साइड की जो हमारी दिशाएं है, स्कूल है गांव में, प्राइमरी स्कूल है हरियाणा में 11,000 से भी ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए, जो आज की सरकार है जो शिक्षित होगा वो अधिकारों के भी लड़ेगा, वो जाति बंधन को भी तोड़ेगा, अदर कास्ट में शादी करेगा, अदर कास्ट से जुड़ेगा ऑटोमेटिक ये ऐसे। लेकिन जो आज की जो सरकार है वो ये सोच है उनकी, अगर जो निचला तकबा है इसको अनपढ़ रखो। सर एक बात समझ जी, बोलो बेटा बोलो। सर चमार तो बाबा साहब के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार होते, तो ये कौन से वाले चमार हैं जो बाबा साहब की फोटो नहीं लगा रहे? हाँ। देखो जी बात सुनो, ये चमार तो वही है, देखो चमार तो ये वही है, कुछ लोगों की दिमाग में ये फतूर है। चमार जाति बहुत बहादुर है, चमार जाति साइंटिस्ट भी रही है, चमार जाति वैज्ञानिक भी रहे हैं, चमार जाति लड़ाकू रेजिमेंट भी रही है। आप नहीं समझोगे, आप पढ़े लिखे यहाँ के देहात के हो, चमड़े में खुशबू करके इन इंजीनियरों चमार जाति ने आप लोगों को जूते पर आए, आप कांटों में पत्थरों में आपके पैरों में घाव हो जाते। इन चमारों ने जो साइंटिस्ट थे इंजीनियर थे, चिड़स को समझते हो क्या होता है? नहीं, 60 फुट नीचे से चमड़े का एक झोला सा बना के 2 बैल खींचते थे और उस पानी भर के जो उससे खेती की सिंचाई करते थे।
उसे चिड़स कहते थे। लेकिन आजकल जातिवाद होता है, चमारों से नाम छिपा कर रखते हैं बहुत सारे लोग शहर में भी। अरे बाबू जी ये गलत है, ये जो नाम छिपा के रखते हैं ना, मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैं तो दिल्ली पुलिस में 39 साल नौकरी करी, टोरे थे करीर अपने आप के सामने, सैन सा चमार लिखता था। बोलो जो नफरत करो करो, वो फिर वो चमार का वंशज है ही नहीं, खून है ही नहीं। जो दूसरे के पैसा हो मैं कहेगा मैं वर्मा हूँ, मैं शर्मा हूँ। मोची की बात कर रहे हो आप? मोची की मोची की। अरे इनमें मनोवादियों ने 36 बिरादरी बना दी गई, यो जुला है, यो महार है, यो मोची है, यो चमार है। इनका विनाश करने के लिए मनोवादियों ने बहुत सारी जातियाँ ये विभिक कर दिया, उनको माइंड इस तरह वास कर दिया। कोई देवी पूजस, कोई भैरव पूजस, कोई हनुमान पूजस है, कोई कुछ पूजस है। अगर ये बाबा साहब के इतिहास को पढ़े, पूजा ना करे, उनकी बातों का अनुसरण करे, तो बाबू जी राज ही नहीं का होगा, सत्ता दूर नहीं है। पर जो भी सरकार आती है वो इनको विघटन करने का काम करती है, पछाड़ने का काम करती है। सर ये जो जी दो चीजें आपस में टकरा रही है, मैंने कई प्रोग्रामों में देखा, जो रविदास ये खासकर वो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, जो नहीं बाबू जी मानते हैं, ये तो उस लड़के ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिन्हें नहीं सुनना, सब मानते हैं, सन मानते हैं। लेकिन मनुवादी को तो देखो, मनुवादी का तो आध्यात्मिक अम्बेडकर थे, उन्होंने मनुवादियों का तोड़ा था। आप संत रविदास की अमर कहानी एक फिल्म है, अगर कहीं मिले। सर बाबा साहब पाखंडवाद और अंधविश्वास का विरोध करते हैं, तो इन्होंने भी, संत रविदास ने भी यही किया था, संत रविदास ने भी यही किया था, संत रविदास ने भी यही किया था। तो ये जो अभी मौजूदा रविदास ये जो उनके अनुयायी हैं, तो ये फिर अंधविश्वास पे क्यों करते हैं बाबू जी? ये क्यों करते हैं? ये किसी राजनीतिक राजनेता के दबाव में आके ऐसा ये कर रहे हैं। अग भाई जोड़ो इनको। ये तो उसी के रास्ते पर चलने जिनसे आपकी लड़ाई है। अरे भाई समझे, एक आदमी के से थोड़ी होती है, एक आदमी के चलने से थोड़ी होती है। ये कितने आदमी खड़े हैं, क्या ये उनका विचारों के साथ हैं? बुला दो ना, बुला दो। सर आप पुलिस में रहे हैं दिल्ली में जी, आपने कुछ जातिवाद ढेला चमार जाति के नाम पर? बिल्कुल ये सत्य बात कही आपने। मैं अपनी ऑफिस का इंचार्ज था, जब तक नहीं पता रहता था ना, नहीं पता रहता था तो, हाँ जी, तो जी सर मैं शुगर से पीड़ित था। मेरे पास एक हिमाचल का लड़का ऑफिस में अटैच था, उसने वो चाय बनाता शाम को तो फीकी चाय मेरे को एक कप पहले दे देता था। तो बाकी यूँ सोचते, यार यो तू राजपूत है, यो चमार का है, यो कितना मान सम्मान करता है। उस उन लोगों ने ये नहीं पता था, अग भाई यो शुगर से पीड़ित है, चीनी वगैरह गेरे चाय दे देता है। तो पता चला तो शोषण बहुत ऐसा बहुत हुआ कहीं। सर देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन कहीं कहीं देश में घोड़ी पर घुड़चढ़ी नहीं होने दी जाती है। देखो ये वो गांव का रिवाज है जी, देखो बात सुनो, गांव का रिवाज है। जहां मैं खड़ा हूं आज से 40 साल पहले मैंने भी ये घटना अपने गांव में देखी थी। सुनो ये सुन लो, फिर सुन लो बात सुन लो। मैंने अपने गांव में भी देखी थी। मैंने गांव में एक, मैं स्टूडेंट ही था जब, तो मैंने कहा भाई ये घोड़ी तुम्हारी क्या लगती है, क्या रिलेशन है पीछे का, वो बता दो भाई, बहन है बुआ है, हम सम्मान करेंगे, हम नहीं बैठे। सर जहां से आप आते हैं हरियाणा से, हाँ मिर्चपुर कांड हुआ, दुलिना कांड हुआ, पत्रकार महोदय बात सुनो, आप माइक लगा रहे हो हर आदमी के सामने, आजादी हुई हमें कितने साल हुए हमारे देश में बताओ, 75 हो गए, एकलव्य का अंगूठा कितने साल पहले काटे बताओ, बताओ बताओ, हजार साल पहले, 75 साल से उसने माइनस गुना करा, इतनी जल्दी थोड़ी सुधर जाएगा, जल्दी थोड़ी सुधर जाएगा, 75 साल में जितना सुधरा है आगे भी सुधरेगा, क्या बात करते हो। ये तो वो बात गई है कि तरह से जो गांव में दो पैसे वाला होता था, मेरे को राम राम ना करी, इसको चार कोड़े मार दो, अब वो बात नहीं है। देखो उस घटना के जुम्मेवार हम भी है कुछ, अगर हमारे साथ कोई ज्यादती हो रही है और हम ना बोल रहे, हमारे कोई दो थप्पड़ मार दे, दो मार दे तू, एक तो मार सके। सर आजकल बोर्ड लगाए जा रहे हैं गांवों में जो दबंग लड़के हैं, कि डेंजर चमार, धाकड़ चमार, देखो ऐसा हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं, ऐसी खतर ऐसे हमारी तरफ नहीं है,
नहीं, ये जो हो रहा है आपकी नजर में कौन सा? ठाकुर साहब, अरे बात सुनिए, इसलिए लिखे जाए, पत्रकार सुन लो, कोई एक चमार गाड़ी लिया उन गांव में, उसने ऊंची जाति के बोले आज मेरी लड़की के घर जाना है, आज मेरी घर वहाँ जाना है, गाड़ी पे लिखवा दो चमार साहब, कोई ऊंची कास्ट का गाड़ी नहीं मांगेगा। अच्छा, कोई ऊंची कास्ट का आप हंस के टाल रहे मेरी बातें, उधार मांगते हैं? नहीं नहीं, गांव में जबरदस्ती ले जाते हैं? नहीं नहीं, गांव में चलता है, ये चलता है, एक गाड़ी लिया है ना कोई, जातिवाद की नर्सरी है गांव। अरे यार ऐसा नहीं है, मतलब एक बोले यार मेरी गाड़ी ने रोज मांगे लोग, मैं बोला एक काम करते तो पीछे बने शीशे पे चमार साहब लिखते, कोई नहीं ले जाएगा सवर्ण कास्ट का कितने भी रिश्तेदारी, सोचेगा चमार की गाड़ी, चमार की गाड़ी उनका है वही, फिर वह गाड़ी मांग के ही नहीं लेगे। हाँ भाजी, कुछ तो हमने भी करना पड़ेगा, नू दौड़ी जाए भाई सब क्या, जी सर जी सर जी सर, नहीं।